गाड़ी से उतर गए हैं पानीपत, लेकिन अरे गाड़ी का सामान पापड़ों से, अबे यार रुक गया, अबे यार वो तो चला गया और हमारा गाड़ी में थैला छू दिया, उसके अंदर लंच वगैरह था, सामान था। शिट यार, हमने ध्यान नहीं दिया और उतरते के साथ। हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज हम आपको लेके जाएंगे पानीपत। पानीपत का रास्ता वैसे तो नॉर्मली एक से डेढ़ घंटे में कवर कर लेते हैं, लेकिन आजकल किसानों के जो आंदोलन चल रहे हैं उस वजह से हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है पानीपत जाने के लिए। तो अभी हम अपने कैब से जा रहे हैं और कैब में अभी हमने अंदर से गांव का रास्ता काट लिया है हाईवे से, तो ये गांव के रास्ते से निकलेंगे। पूरा विलेज एरिया है, अंदर के फार्म हाउसेस यहाँ बने हुए हैं आप देख रहे हैं, और रास्ते तो बहुत ही ख़राब हैं। गड्ढे आप देखेंगे तो ये देखिए कितने ख़तरनाक गड्ढे बने हुए हैं यहाँ पर, और बहुत ही ज़्यादा गड्ढों में से होते हुए जो ये गांव में से निकलते हैं यही है रास्ता। कम से कम 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं इस रास्ते से निकलने में, गड्ढों से और इन घटिया सड़कों से निकलते हुए हम किसी तरह पानीपत के रास्ते में जा रहे हैं। अभी तो बाहर मेन हाईवे पे आना बाकी है और इस बार हम दोनों ने जाने का प्रोग्राम बनाया है क्योंकि हम थोड़ा से काम से जा रहे हैं। तो रास्ता देखिए कितना ही सुगम है और कितना ही लंबा हो जाएगा ये आपको इस वे में पता चलेगा। बाकी काफ़ी हरियाली भी देखने को मिल रही है, गाँव से निकल रहे हैं तो खेत भी मिल रहे हैं यहाँ पर, हरे भरे खेत हैं बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं। गाइस, हम पहुंच चुके हैं अब कुंडली, जहाँ पे किसानों का आंदोलन चल रहा है, जहाँ पे वो किसान धरने पे बैठे हुए हैं। और यहाँ से काफ़ी दूर दूर चले जाइए, इनके कैंप लगे हुए हैं, देख सकते हैं कैंप है इनके, और बहुत लंबे लंबे कैंप लगे हुए हैं। ये देखिए हर गांव के, हर कस्बे के, पंजाब के, हरियाणा के, हर साइड के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और सबसे अच्छी बात है देखिए, कूलर एसी सब लगे हुए हैं यहाँ पर, एसी भी देख सकते हैं आप यहाँ पे, और खाने पीने का पूरा अच्छा सा प्रबंध है। और ये नहीं कि उनके लिए, ये देखिए एसी भी लगे हुए हैं, तो आप कोई भी लोग आता है उनके लिए भी यहाँ खाने का पूरा प्रबंध है। हर तरह का खाने पीने का सामान मिलता है यहाँ पे, बढ़िया स्वादिष्ट भोजन का व्यवस्था कर रखी है। और गाइस, बहुत बढ़िया मौसम हो गया है, शानदार। देखिए कितनी तेज़ रेन फॉलिंग हो रही है और हम रास्ते में बिल्कुल, मतलब इतना ज़बरदस्त रेन है कि मैं आपको कह नहीं सकता हूँ, छमाछम रेन फॉलिंग है। और हर मौसम में आज हमारे साथ देखिए क्या क्या हो रहा है कि सब कुछ देखने को मिल रहा है, और इतनी अच्छी बारिश की मज़ा आ गया देख के। तो गाइस, बारिश इतनी तेज़ हुई है कि पानी गाड़ी के अंदर आ गया है, देखिए कैसे टिप टिप बरसा पानी हो रहा है हमारे साथ। तो ये बारिश भी याद रहेगी हमें, और ये ट्रिप भी बारिश की सीट पूरी गीली हो चुकी है। गाइस, हम उतर गए हैं पानीपत, लेकिन अरे गाड़ी का सामान पापड़ों से, अबे यार रुक गया, अबे यार वो तो चला गया, और हमारा गाड़ी में थैला छू दिया, उसके अंदर लंच वगैरह था, सामान था।
शिट यार, हमने ध्यान नहीं दिया और उतरते के साथ ही हमें याद आया, बिल्कुल भूल गए यार। अरे तुमने भी तो नहीं बोला, अब क्या करें? आप क्या करें? भूख लग रही है तो हम देखते हैं कुछ खाने पीने का खाते हैं यहाँ पे चल के, देखते हैं कुछ। गाइस सुबह से भूखे थे, फाइनली हम मिले हमें छोले कुलचे जो खा के अब पेट भराए और अब निकल रहे हैं अपने घर की तरफ, दिल्ली की तरफ। तो आइए आपको जैसे हम चलते जिसमें आ रहे थे ना, उसमें हमारा बैग रह गया, उसमें हमारा खाना पानी बोतल सब कुछ था। अब इतना दिमाग खराब हुआ, भागे भी उसके पीछे पीछे पर कुछ भी नहीं हुआ, और बोतल भी रह गई पानी रह गया। सुबह से आज हम बस ऐसे ही घूम रहे हैं। तो फाइनली घर पहुंच गए हैं और जो हालत ख़राब हुई हमारी हमें पता है। अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे आपको, फिर बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। अब तक के लिए बाय बाय।